नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सरकारी नोटिफिकेशन को शत प्रतिशत पालन कराने के लिए बाढ़ प्रशासन ने कमर कस लिया है। मास्क इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए बाढ़ प्रशासन ने इसकी शुरुआत अनुमंडल मुख्यालय से ही कर दिया है, जहां एक फोटो स्टेट दुकान में बगैर मास्क लगाए जमे भीड़ को देखते हुए दुकान पर पहली कार्रवाई की गई। इसके तहत इस कार्रवाई में फोटो स्टेट दुकान को सील कर दिया गया। इस बाबत SDM सुमित कुमार ने बताया कि वह चाहे आम पब्लिक हो या दुकानदार, बगैर मास्क लगाए जो भी पकड़े जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंस और मास्क की जांच की जा रही है आपके घर? हाँ, ये सरकार का आदेश है। दूसरा चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है और 31 जुलाई तक सेकंड अनलॉकडाउन है, वो लागू है। सरकार का इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, आम जनता से इसको लागू करवाना है। इसके अलावे आप जानते हैं कि सरकार ने यह आदेश दिया है कि वह व्यक्ति जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप जाते हैं और बिना मास्क के अगर आप जाते हैं तो 50 रुपया फाइन लगाने का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। तो हम लोगों ने, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बाढ़ मोकामा अठमन गोला ने कई बार गाड़ियों पर माइक लगा करके इसका प्रचार प्रसार भी किया है, लेकिन आम जनता पर ये देखी जा रही है कि इसका प्रभाव थोड़ा कम है। और सरकार का ये आदेश है इसे सख्त तरीके से इसको लागू करवाना है। इसी के मद्देनज़र हम लोग आज निकले हैं, कल भी निकले थे, आज भी निकले हैं। और जैसे ही हम लोग अपने अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकले तो ये फोटो कॉपियर वाले मशीन थे, यहाँ पर देखिए कि काफ़ी लोग भीड़ लगाए थे, बिना मास्क के थे। तो इस दुकान को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से बाढ़ अनुमंडल में वह कोई भी दुकानदार जो दुकान खोले हुए हैं और उनके दुकान पर कोई कस्टमर जाता है और बिना मास्क का जाता है, तो ये दुकानदार की जवाबदेही होगी कि वैसे ग्राहक को अपने दुकान में घुसने नहीं दें। बिना मास्क वाले अगर कोई भी कस्टमर उनके दुकान तक जाते हैं तो उनको नहीं घुसने दें, वैसे ही दुकानदार को, वैसे ही कस्टमर को घुसने दें जिनके पास मास्क हो, और नहीं तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए हो सकता है उनका दुकान को सील कर दिया जाए। ये भी देखा जाएगा कि दुकान उनका पंजीकृत है कि नहीं है। वो अगर GST दे रहे हैं तो पर्याप्त समय पर GST दे रहे हैं, कई तरीके से उनकी जांच हो सकती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है और मेरा ये निर्देश भी है कि कोई भी दुकानदार अगर बिना मास्क वाले कस्टमर के साथ अगर लेन देन करते हैं तो ये गैरकानूनी है। 31 तारीख तक ये नियम प्रभावी है। और आम जनता से मेरा अपील होगा कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर मत निकलिए। जहाँ कहीं भी आप जाएं, खास करके सार्वजनिक स्थल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर मास्क लगा। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा में रिंग बांध में घटिया सामग्री लगाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। जानकारी के अनुसार शुकुल पाकड़ पंचायत के लाल परसा के ग्रामीणों ने सिकरहना नदी के कटाव से बचाव को लेकर घटिया किस्म के बोरे में मिट्टी भरकर डालने से नाराज हो गए और कार्यस्थल पर जमकर बवाल किया। साथ ही स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही स्थानीय मुखिया असफाक आलम ने कहा कि बालू के बैग की जगह मिट्टी का बैग रखने से नदी का कटाव नहीं रुकेगा। ग्रामीणों की मांग जायज है। अभी मौसम शुरुआत हो गया है और यहाँ पे अधिकारियों द्वारा, जो सुगौली ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा घटिया किस्म का बालू के जगह पे मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं मोतिहारी के जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जिंदगी बचाने के लिए इस घटिया किस्म के निर्माण को बंद करें और यहाँ पे जाँच करके उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें जो घटिया निर्माण कर रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे सही निर्माण करें। मोतिहारी के कोटुआ प्रखंड के भोपतपुर दक्षिणी बझिया वार्ड संख्या 12 के वार्ड सदस्य रामकिशुन साह और उनके पुत्र विकी कुमार पर धारदार तलवार से जानलेवा हमला किया गया। वही रामकिशुन साह ने मामले में 5 लोगों पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लेकिन अभी तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। कैसे कैसे घटा है?
हम तो दुकान पे थे, दुकान अपने बढ़ाकर बैठे हुए थे, घर पे झगड़ा वगैरह हुआ था, बोला चली हुआ था, अचानक हमारे पास आया लोग और चरण प्रसाद आदमी था लगा मारने। छः सात आदमी, कौन कौन आदमी थे? वीरेंद्र शाह थे, सुनील शाह थे, अजीत शाह और कपिले शाह, अरुण कुमार थे। पहले से कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था? पहले मास्टर साहब के ऊपर एक कार्रवाई लोक अदालत में किए हुए थे, वहाँ से आज मामला चल रहा है कमिश्नर पटना, कमिश्नर साहब के पास गया है। अभी लोग डाउन के चलते अभी वहाँ स्थगित हुए हैं मामला। वीरेंद्र शाह ने ग्रुप माजमा लगा करके हमारे पटदार से जमीन विवाद में फंसा करके हमको उलझा दिए। हालांकि जमीन का विवाद कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यही बात है। सीतामढ़ी के पंचायत शिक्षक के द्वारा पिछले 5 सालों से बकाया वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में आत्महत्या करने के प्रयास का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने पीड़ित शिक्षक संजीव कुमार को न्याय दिलाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ताला जड़ दिया और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ सीतामढ़ी जिले में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग यहाँ तालाबंदी करने को विवश हुए हैं। सीतामढ़ी जिले के DPO स्थापना लगातार शिक्षकों को शोषण करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ जो कल जो यह घटना परसों जो घटना घटी है, हमारे शिक्षक संजीव कुमार ने जो गला रहता है वह हार कर मजबूर कर यह ऐसा काम किया है। इसलिए हम यह चेतावनी देने आए हैं, यदि वह जो शिक्षक संजीव कुमार है उसका जो पूरा बकाया वेतन भुगतान है, और वैसे दर्जनों मामले हैं सीतामढ़ी में जो हमारे पास संज्ञान में है, 80% विकलांग शिक्षक जो कभी भाग नहीं ले सकते हैं वो चुनाव कार्य में, उनका वेतन भुगतान बंद है 1.5 साल से है, 7 साल से सुकेशर राम का वेतन भुगतान परिहार का नहीं किया गया है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिस मामले को DPO स्थापना दबा करके रखे हुए हैं और मोटी रकम के लिए वह भुगतान नहीं करते हैं। और जो लोग यहाँ मोटी रकम देते हैं उनका काम आसानी से होता है, जो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं बरसों से चप्पल घिस गया है। एक शिक्षिका हमारी है रूनी सैदपुर की, वो ट्यूबरक्लोसिस की शिकार हो चुकी है 2-2 बार और 5 साल से उसका वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम यह DO साहब के पास ताला मारने आए हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो अभी हम लोग DM साहब के पास गेट पर बैठेंगे, वहीं अनशन करना शुरू कर देंगे। ये हम लोग मजबूर होकर आज आए हैं DO ऑफिस में ताला मारने, क्योंकि हमारे शिक्षक के साथ इतना यहाँ शोषण किया जाता है, जो लंबित वेतन भुगतान नहीं होता है 5-3 वर्षों से। ऐसे एक संजीव कुमार तो गला रहते ही हैं, बहुत मजबूर हो के, कोई नहीं चाहता है अपना एक उंगली भी काटना, लेकिन ज़्यादा मजबूर होकर के वो गला रहते हैं। लेकिन वैसे वैसे शिक्षक काफ़ी हैं जो आत्मदाह करने के लिए तैयार है, इसके लिए हम लोग बहुत मजबूर हो गए हुए हैं। तब जा कर के यहाँ ये DO ऑफिस में ही कोई काम नहीं होता है, सब वेतन भुगतान जब भी कोई आते हैं तो पैसा का डिमांड कर देते हैं। कहाँ से लाएंगे शिक्षक जिनका इतना कम वेतन है और पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? इसी के चलते हम लोग यहाँ आज मजबूर होके आए हैं, लिखित देते देते हार गए हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आज सुपौल जिले के कई ऐसे कलाकार हैं जो लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए और जिन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्वच्छता पर नाटक कर लोगों को जागरूक किया था, लेकिन उन्हें मनोज फाउंडेशन के द्वारा राशि भुगतान नहीं की गई, जिसके खिलाफ इंदल कुमार और उनकी टीम ने DM और मुख्यमंत्री को राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया है। हमने भी कोरोना से बचाव हेतु वीडियो बना के दिए थे, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिला है। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ कि सुपौल जिला के टीम लीडर के तौर पर, कि एक तरफ सरकार कर रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रीय कलाकारों को 1000 प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरी ओर हम लोग का किया हुआ जो पैसा एजेंसी पर है, महिला विकास निगम में एक जो जमा है पैसा, वो नहीं मिल रहा है। अगर इस स्थिति में नहीं मिलेगा तो हम लोग को कब मिलेगा, इसका जवाब कैसे होगा? हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए गुजारिश करता हूँ कि हम लोग सुपौल जिला से 40 की संख्या में कलाकार है और सब कहीं ना कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और सबकी स्थिति खराब है, इसलिए आशा।
राजद के स्थापना दिवस पर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अररिया के सुभाष स्टेडियम से पूर्व सांसद सरफराज आलम एवं जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल मार्च निकाला। यह मार्च सुभाष स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए ओम नगर स्थित राजद कार्यालय कैंपस में जाकर समाप्त हुआ। हम लोग जो प्रदेश से निर्धारित कार्यक्रम है पूरे बिहार में और अररिया जिला में नवो प्रखंड में चल रहा है और हम लोग जो केंद्र सरकार बिहार सरकार का जो नीति है महंगाई है उनके विरोध में और हम लोग का आज 24वां स्थापना दिवस है उसके शुभ अवसर पर हम लोग ने केंद्र सरकार विरोध सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 5 किलोमीटर साइकिल चला के और हम लोग आगाह करना चाहते हैं अगर आप मूल वृद्धि को वापस नहीं लोगे तो आज तो हम लोग साइकिल चला रहे हैं, कल आने वाला समय में रोड पर भी उतरेंगे और इस तरह का प्रदर्शन करने का काम करेंगे और आरजेडी परिवार अररिया पूरा सक्रिय होकर नवो प्रखंड में कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नेतृत्व हम जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान कर रहे हैं। लहेरी थाना इलाके के रामचंद्रपुर बाजार समिति के समीप अज्ञात चोरों ने कीटनाशक दुकान का शटर तोड़कर नगदी समेत कई सामानों को चुरा लिया। दुकानदार की माने तो चोरों ने बगल के दुकान में भी चोरी का प्रयास किया। दुकानदार का कहना है कि अक्सर इस इलाके में चोरी की घटना से दुकानदार काफी भयभीत है। इसके पूर्व भी इस इलाके में कई दुकानों में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। अपने नियत समय से हम दुकान खोलने आए तो देखा कि मेरे दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है और शटर ऐंठा हुआ था। अच्छा, तुरंत हमने अपने बगल वाले को भी कॉल किया, उनको भी टूटा हुआ था। बगल में हमारे सुरेंद्र जी जो बिल्कुल राजीव के रहने वाले हैं, हम सब आए, जिले प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया, पत्रकार लोग भी आए, हम लोगों को शटर टूटा उठा नहीं, मिस्त्री को बुलवाए, जब देखा तो अंदर गल्ला में जो रुपया था कैश था करीब 15-16 हज़ार रुपया वो ले लिया, दबा हुआ था वो ले लिया। और सर ये आए दिन हम लोगों के यहाँ कभी ना कभी इस दुकान में लगातार होते रहता। अच्छा, हम लोग लाख बार भी प्रशासन को इन्फॉर्म कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई सुनने नहीं आता, कम्युनिटी में आता है चला जाता है। अच्छा, हम लोग बाजार समिति में लोग परेशान होते रहते। क्या चीज़ का दुकान था ये? कीटनाशक का दुकान है। मेरे दुकान का नाम हो गया कृषि केयर। मेरा नाम सत्यदेव कुमार है, जो कि नौसा के निवासी। घटा आपके साथ? अरे सुबह हम लोग आए सर तो देखते हैं कि शटर टूटा हुआ है। अच्छा, तो हम लोग प्रशासन को किए फोन, प्रशासन आए, उसके बाद हम लोग तो शटर नहीं उठा, तो मिस्त्री आया और उसके बाद शटर उठाए हम। अच्छा, कैसी का दुकान था? कीटनाशक बीज का था। कितना चोरी हुआ लगभग? करीब वही 11,000 रुपया कैश था। हाँ, कागज पत्र जैसे तैसे कर दिया है, कागज कौन गायब है नहीं है तो चेक करेंगे तब पता लगेगा। पुलिस कन्फर्म किए थे? जी, पुलिस पर कन्फर्म किए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर हुआ पोराजित, चंडी ब्लॉक में पड़ता है, थाना बेना है। दुकान का नाम क्या है? माँ दुर्गा एग्रो एजेंसी। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए ये लोग सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। बता दें कि आंदोलन कर रहे कर्मियों का कहना है कि ये लोग कोरोना महामारी में अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया, बावजूद सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आरबीएसके के फार्मासिस्ट और एएनएम आज यहां पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग मानदेय विसंगति के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। ज्ञात हो कि 2015 जिसमें सौतेला व्यवहार करते हुए सिर्फ आयुष चिकित्सक का मानदेय 20,000 से बढ़ा के 44,000 कर दिया गया और फार्मासिस्ट और एएनएम को अल्प मानी है, नहीं सुनी है। सरकार से हमारी अपील है कि एएनएम बहनों को 27,300 और फार्मासिस्ट को 37,000 का मानदेय अविलंब मानी है, नहीं सुनी है। सरकार से हमारी अपील है कि एएनएम बहनों को 27,300 और फार्मासिस्ट को 37,000 का मानदेय अविलंब। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।